हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चा. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन सिक्स ऑफ एक्सरसाइज 11.1. बच्चा, व्हाट दे सेड, दे सेड बीसी गिवन है एक हमें, और एक ए बी गिवन है, और एंगल सॉरी क्वेश्चन सिक्स. बीसी गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 गिवन है, उसके बाद एंगल ए गिवन है. बच्चा तब देखो, मेरे पास इसकी कोई मेजरमेंट ही नहीं है, तो मैं एंगल ए हवा में तो नहीं बनाऊंगी. सो व्हाट वी विल डू इज, फर्स्टली वी विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल बी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180. एंगल ए इज 105, एंगल बी इज 45, एंगल सी आई हैव टू फाइंड, इट इज 180. सो दिस इज 150 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180. सो एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 150, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री. क्लियर है? अब मेरे पास सी आ गया और बी आ गया. नाउ आई कैन ड्रॉ दिस. हाँ जी बच्चा जी, ड्रॉ करना कैसे है? सबसे पहले क्या बोला है, बी सी बेस लाइन गिवन है, ड्रॉ बी सी. 7 सेंटीमीटर बोला, 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो. बी सी 7 सेंटीमीटर. बच्चा जो भी एंगल बोले जाएं, यू इफ दे आर वी आर एबल टू फॉर्म कंस्ट्रक्ट देम विद द हेल्प ऑफ कंपास, देन यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प, यू कैन ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ कंपास ओनली. सो इट इज बी एंड सी. सो एंगल 45 डिग्री बोला है बी पे, तो 45 डिग्री. सो दिस इज 90 डिग्री. तो बच्चा 90 डिग्री एंगल जो है वो मैं 45 की हेल्प के लिए बना रही हूँ. सो आई विल ड्रॉ इट विद द डॉटेड पॉइंट्स ताकि कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है, अब 45 बनेगा. 45 कैसे बनेगा, हाफ से ज़्यादा कंपास खुली. तो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि सी बोला है, सी 30 है, तो पहले 60 बनेगा. सो आई विल ड्रॉ इट. बच्चा ये कंपास एक बार जितनी मर्जी खोल लो जब एंगल ड्रॉ कर रहे हो शुरू में, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं करोगे, क्योंकि फिर वो मेजरमेंट गड़बड़ा जाएगी. सो यहाँ से ये फर्स्ट आर्क लगी, इट इज़ ऑफ 60 डिग्री. तो अब इसका बाइसेक्शन, दिस इज ऑटोमेटिकली वो जो ऊपर वाला एंगल बन जाएगा ना बच्चा, ऑटोमेटिकली दैट विल बी अ 105. क्लियर है? इसको नाम दे दो अब आप ए. आप इसको मेजर, मेरे पास कंपास नहीं है अभी, अगर होती तो देन आई विल डेफिनेटली मेजर इट. तो ये पक्का 105 होता. तो यहाँ पे लिख दो 45, दिस इज 30 एंड दिस वन इज 7 सेंटीमीटर. फिर उसने क्या बोला है कि इस रेशो में बनानी है 4:3. तो 4:3 में बनानी, मतलब सबसे बड़ी वाला पहले तो लेना है पॉइंट हमने नीचे को. तो इट इज फर्स्टली ड्रॉ द 4, दिस वन 1, 2, 3, 4. तो हमने क्या ज्वाइन करना होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर हो. डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 3. सो वी विल ज्वाइन 3. 3 ज्वाइन कर दो यहाँ से. थ्री ज्वाइन किया तो यहां से आया 1 आर्क. सेम सब में कंसेप्ट सेम चलेगा, दिस वन. सो यहां से रख के इस आर्क को मेजर कर लो, इस आर्क को यहां से रख के मेजर कर लो. अब ये लाइन बनेगी. क्लियर? सो दिस इज सी डैश. तो अब यहां से इसको एक्सटेंड करो. दिस सी डैश, फिर वही चीज, जैसे यहां से इसको खोला, यहां से इसको, इधर से इसको, यहां से इसको. तो यू जस्ट ज्वाइन दिस. सो दिस इज योर ए डैश, दिस इज सी डैश. तो आप लिखोगे ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल.
आई होप बच्चा दिस क्वेश्चन इज क्लियर. हाँ जी, दिस इज द एग्जैक्ट फिगर. क्लियर? देख लो एक मिनट के लिए, ये सोल्यूशन है, पहले ये सॉल्व करोगे, आफ्टर देन यू आर सपोज टू ड्रॉ दिस वन इन दिस वे. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन सेवंथ. हाँ जी, क्वेश्चन सेवन, दे आर सेइंग ड्रॉ ए राइट ट्राइंगल इन विच द साइड अदर देन द हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन, क्या गिवन है, परपेंडिकुलर एंड बेस, आर ऑफ द लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तो हमें क्या गिवन है, हमें राइट ट्राइंगल जिसका बेस मैं ले रही हूँ 4, इट इज 4, और बचा राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, सो द अदर एंगल, दिस राइट, दिस एंगल मस्ट बी ड्रॉ विद द कंपस. सो बच्चा इन्होंने नाम नहीं दिए होते तो यू कैन टेक योर ओन नेम्स, अगर उनके नाम गिवन है तो फिर तो हमें वही लेना पड़ेगा ए बी सी जहाँ पे गिवन होगा, अगर नहीं गिवन कहीं पे तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो. ठीक है, ये आया दिस वन एंड दिस वन, यहां से इसको बाइसेक्ट किया 90, सो दिस इज 90. तो ये हम कितना बोला है 3, तो यहां से 3 लो अपना, दिस इज 3, तो इसको ज्वाइन कर दो, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज की तो हाइट पता नहीं है, तो पर अपने आप हमें क्या लेना, हमारे तुम्हारे पास दो चीजें थी तो हमने ज्वाइन कर दिया. बेटा अब क्या बोला है कि 5:3 में करना है, तो यहां से मैं क्या कर रही हूं, 5, सो लेबल इट एज 1, 2, 3, 4 and 5. सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सो इट इज B1, B2, B3, B4, B5. बच्चा ज्वाइन क्या कर, उसने क्या बोला है, कंस्ट्रक्शन बनानी है जिसकी साइड्स 5/3 हो. तो 5 जो हम क्या ज्वाइन करते हैं, जो डिनोमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर में क्या था 3, सो ज्वाइन 3. ठीक है, 3 ज्वाइन किया. अब 3 ज्वाइन करने के बाद वही 5 वाला कैसे करेंगे, दिस वन, फिर 5 पे सेम, यहां पे इधर, यहां से इसको इधर कट किया, सो इट इज इन दिस वे वी ज्वाइंट इट. अभी यहां पे बनाओ, इजी है बच्चा, सिंपल है बस. अच्छा सॉरी, मैं यहां पे 9 एक्सटेंड करना ही भूल गई, 9. इट इज सी डैश. सो इट इज दिस साइड, सो दिस इज ए डैश, दिस इज ए डैश सी, सो ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. आई होप बच्चा इट इज क्लियर. थैंक यू.